नमस्कार, नवहर टाइम्स ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची की पांच प्रमुख गतिविधियां इस तरह रही। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंचपारा महन भाई ने आज रांची में आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा की गई। डॉक्टर महेंद्र भाई ने तीन नई योजनाओं की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी जो भी मांग है उसे केंद्र सरकार की ओर से पूरा किया जाएगा। उन्होंने मातृवंदना योजना के अंतर्गत बालिकाओं को दी जा रही वित्तीय सहायता को बढ़ाकर प्रतिमाह 6,000 रुपये करने की भी बात कही। राज्य में बालू की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर जनसेवा मंच के बैनर तले राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक बालू की त्राहिमाम संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। इस त्राहिमाम संदेश यात्रा में बिल्डिंग व्यवसाय से जुड़े लोग और आमजन सम्मिलित हुए। यात्रा में शामिल समाजसेवी मुनचुन राय ने बताया कि खान विभाग की पूर्व सचिव और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से बालू की कीमत में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रांची के एसडीसी सभागार में आईडीएसओ द्वारा 7वां झारखंड राज्य छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति की खामियों पर भी चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की कमी, सत्र का नियमित नहीं होना और कॉलेजों में पर्याप्त सीट नहीं होने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची रेलवे स्टेशन से पहला जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। जत्था का यह 27वां साल था। पिछले 27 वर्षों से यह जत्था लगातार बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए रांची से जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी। इस वर्ष जत्थे में 25 लोग शामिल है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल है। मत नहीं हारे, लगातार जा रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, ये उत्साह है बाबा का। ये बताइए कितने दिनों की यात्रा है, क्या रूट है? 15 दिन का यात्रा है और रूट आपको मनोज जी जा रहे हैं बता देंगे। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में बने मॉनसून ट्रेंच और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 5 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज देर रात तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। नवहर टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची समय रवि सिन्हा।